हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर पर आपका स्वागत है। और ये है जीएस वर्ड का टेस्ट नंबर 3, पॉलिटी का ये भी है। पहला टेस्ट भी आपका पॉलिटी का हुआ था, ये थर्ड टेस्ट है। पहला शायद हिस्ट्री का हुआ था, जो भी हुआ था आप देख लेना है, मुझे भी याद नहीं है। तो पॉलिटी है ये, और ये भी पीसीएस आरओएआरओ प्री का टेस्ट है ये। और मेरा नाम प्रिया है, और 2023 के लिए टेस्ट हम करवा रहे हैं। और जो कि एग्ज़ाम आपका लगभग दिसंबर तक होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी अक्टूबर में। और 181 पोस्ट आई हुई है, पोस्ट बहुत कम है और फाइट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूपीएससी वाले और पीयूपी पीसीएस वाले भी बहुत सारे लोग उसमें फाइट ज़रूर करेंगे। तो बहुत कम टाइम है आपके पास, टाइम कम है तो इसका मतलब आपको रिवीजन और टेस्ट, ये दो चीज़ें देखनी है और खुद को इवैल्यूएट करना है कि आप कहाँ तक मतलब प्रोग्रेस कर पा रहे हो, मतलब कहाँ तक आप कटअप तक पहुँच पाओगे या नहीं, मतलब वो तो बाद में डिसाइड होगा। लेकिन ये है कि आप खुद को इवैल्यूएट टेस्ट के जरिए ही कर पाओगे। आप स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप पहले काम करिए, A4 साइज की पेपर ले लीजिए, उसमें 1 से लेके 140, मतलब 140 क्वेश्चन GS1 में पूछते हैं, तो 1 से लेके 140 तक उसमें नंबरिंग कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही मैं आंसर बताऊंगी, उसको पहले स्क्रीन आप पॉज कर लीजिएगा, बाद में आंसर देखिएगा और उसको देखिए आप कितना सवाल सही कर सकते हैं, आपका स्कोर कितना बन रहा है, उसको आप कमेंट बॉक्स में सेंड करिए और मैं देखूंगी आप लोग कितना स्कोर कर सकते हैं। कोई शर्म की बात नहीं, अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं तो उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि टेस्ट है। आप यहाँ पर जितना गलती करना है कर लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम में आपको गलतियाँ नहीं करनी है। तो इस टेस्ट में सारे आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो इसका थोड़ा बेनिफिट आप भी उठाइए, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवा दीजिए। चलिए, नया चैनल इसलिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि सब तक पहुँचेगा तो सब देखेंगे और सब बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, तो उससे मोटिवेशन भी मिलेगा, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है। और हाँ, इसके पहले मैं बता दूं कि यूपीएससी का भी मैंने एक टेस्ट करवा रखा है, पहला टेस्ट रीजन आईएएस का, और बीपीएससी का भी टेस्ट मैं करवा रही हूँ, क्योंकि बीपीएससी का भी एग्ज़ाम होने ही वाला है, तो उसको तो बहुत कम टाइम है, लेकिन आपको अभी जो है इसको खुद को इवेल्युएट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है जीएस वर्ड आईएएस पीसीएस के लिए जो कोचिंग संस्था है, तो ठीक है। अब हम आरओ एआरओ का प्री टेस्ट करते हैं। तो आपको पता होगा इसमें दो पेपर होते हैं प्री में, एक जीएस का होता है, दूसरा हिंदी का होता है। तो जीएस का जो पेपर होता है, एक 140 नंबर का होता है, 140 मार्क्स का होता है, सॉरी 140 मार्क्स का होता है, 140 क्वेश्चन। और ये इंडियन पॉलिटी का थर्ड नंबर का टेस्ट है, जनरल स्टडीज। तो अगर आपने इसको पिछला टेस्ट नहीं किया है, 1 2 जो करवा दी हूँ मैं, अगर नहीं किया तो जाइए उसको करिए, उसको आप प्लेलिस्ट भी में भी मिल जाएगा, वैसे भी आपका वीडियो पड़ा हुआ है। तो चलिए, और आपको बता दूँ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और ये क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में जो है बच्चे जो हैं वो पढ़ सकते हैं, और हिंदी वालों को अगर इंग्लिश नहीं समझ में आता तो मैं इधर से करवा दे रही हूँ, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम बहुत कम है, तो इसलिए टेस्ट नंबर 1 है ये। व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर, मतलब निम्नलिखित में से राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। एज 25 ईयर, 35 ईयर, 30 ईयर या 32 ईयर। तो ये होता है 35 ईयर। और तो भारतीय राज्य, मतलब एक भारतीय राज्य का राज्यपाल आमतौर पर 5 साल की अवधि के लिए पद पर धारण करता है, ये तो आपको पता होगा। संविधान के अनुच्छेद 157 में 57 और 158 में 158 में राज्यपाल के पद की पात्रता की बात की गई है, जिसमें वो भारत का नागरिक हो, 35 साल का कम से कम उम्र हो उसका, संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य की विधायिका का सदस्य ना हो, लाभ के पद पर ना हो, तो ये होता है। और सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, तो अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76, आर्टिकल 89, आर्टिकल 98। तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल 76, 76वें आर्टिकल में ये दिया गया है। तो जो अटॉर्नी जनरल होता है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में ही आते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 33 क्वेश्चन है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर इज वेस्टेड इन द गवर्नर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, मतलब राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत निहित है। अनुच्छेद 155, 157, 154, 151। विच आर्टिकल, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 154।
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा की सीट है, सीट प्रयागराज में, आपको पता ही होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में एक द्विसदनी विधायिका है जिसमें विधान परिषद, विधान उच्च सदन और विधानसभा निचला सदन शामिल है। यह भारत में सबसे बड़ी विधायिका है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं लगभग निर्वाचित सदस्यों की, और उसे 403, 403 सीटें, ठीक है। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद की, विधान परिषद की हो जाएंगी 100 सीटें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ द असेंबली सीट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है, चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर या प्रयागराज। तो अभी मैंने आपको बताया वो हो जाएगा आपका प्रयागराज, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अनुमति मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की 86 सीटें हैं, लगभग 86 सीटें हैं, और इसमें 84 सीटें एससी के लिए और 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। 2017 के चुनाव में विधानसभा में रिजर्व सीटों की संख्या 86 हो गई, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार यूपी में पहली बार 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई थी। दोनों सीटें सोनभद्र जिले से हैं। अगला है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है, 7, 8, 5, 8, 7, 8 या 5, तो कितनी है। तो वो है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया वो 2 सीटें उनको प्रोवाइड की गई। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन उत्तर प्रदेश द मेंबर ऑफ द जिला पंचायत आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द वोटर्स। इन उत्तर प्रदेश द ग्राम प्रधान एंड ग्राम पंचायत मेंबर आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय द वोटर्स ऑफ द ग्राम सभा। तो मतलब उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा होता है। ये दूसरा है, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का एक ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 1, 1, 2, 1 या 2, या 1 और 2, या नाइदर 1 नाइदर 2। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ए, मतलब ओनली वन, क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष नहीं, अनडायरेक्ट नहीं, बल्कि डायरेक्ट चुनाव होता है। अगला 7 नंबर का क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज द स्टेट फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड। तो वो होगा आर्टिकल 248 क्लॉज 1, या फिर आर्टिकल 243 क्लॉज 1 I, या आर्टिकल 245 क्लॉज Y, या आर्टिकल 244 क्लॉज 42 क्लॉज Y। तो ये कौन सा आंसर होगा, इसका मतलब निम्नलिखित में से किस राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, वित्त आयोग राज्य के वित्त आयोग का गठन ये पूछा है। तो ये होता है आर्टिकल 243 I के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8वां, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में अधिनियमित किया गया था, मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। कौन सा कथन सही है, 1, 2 या 1, 2 या नाइदर 1 नाइदर 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ आर राइट। तो उत्तर प्रदेश नगर निगम जो अधिनियम है 1959 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नियमावली बनाते हैं। मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल 5 साल का होता है। हालांकि 7 राज्यों में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड महापौर जिले जनता द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार नगर निगमों की कार्यकारी शक्तियाँ रखते हैं। अगला है 9 क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या निम्नलिखित में से कितनी है, 160, 200 या 145 या 100। तो उनमें न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या है 160। अगला है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन जो है 7 अक्टूबर 2002 को, या ऑप्शन बी है 7 अक्टूबर 2005 को, या ऑप्शन सी है 7 अक्टूबर 1994 को, या डी ऑप्शन है 7 अक्टूबर 2007 को। तो आंसर हो जाएगा 7 अक्टूबर 2002 को। तो उत्तर प्रदेश राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन अक्टूबर 2002 में मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत की गई थी। राज्य मानवाधिकार आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय होता है जिसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। भारत में सार्वजनिक वित्त संसदीय नियंत्रण संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सार्वजनिक वित्त संसदीय नियंत्रण के संबंध में, विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से धन की निकासी की जा सकती है। दूसरा है, अनुपूरक अनुदान लेखा अनुदान के द्वारा सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण किया जाता है। तो कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, 1, 2 या ना तो 1 ना तो 2।
तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ आर राइट, तो दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है 12, 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषता है। तो देखिए मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, लेकिन हाँ आपको याद करना है, आपको मेरे से पहले आंसर दे के अपने फोर साइड पेपर में लिखना है, ठीक है। लास्ट में कमेंट वगैरह भी करना है कि आपके स्कोर कितने बन रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत, या मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत, या केंद्र तथा प्रांतों को विधायी अधिकार हस्तांतरण का मतलब हस्तांतरण का अधिकार, किसकी बात की गई थी। तो ये बात की गई थी, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी बोथ आर राइट, मतलब इसमें प्रांतों की कार्यकारी सरकार, एक मिनट, 13 सही है, 13। दूसरा सांप्रदायिक की, इसकी बात तो 1909 में की गई थी, ना कि 1919 के अधिनियम में। अगला है 13वां, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का पृथक वितरण, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण इनमें से किस अधिनियम द्वारा पर आधारित है। तो शक्तियों, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड अधिनियम 1919, या सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, या डी है माल्यमिंटो सुधार 1909। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की बात की गई थी। 14वां क्वेश्चन है, भारत की संसद में स्थगन प्रस्ताव का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ द एडजॉर्नमेंट मोशन इन द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया। तो अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देना, ताकि विपद सदस्य मंत्री से जानकारी एकत्र कर सके, या अनुदान की मांग में विशिष्ट राशि की कमी की अनुमति देना, या कुछ सदस्यों के अनुचित या हिंसक व्यवहार को रोकने के लिए कार्यवाही को स्थगित करना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देना। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन, भारत में संविधान में निहित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें, भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, दूसरा है भारत पंचायतों ग्राम पंचायतों को संगठित करना, या तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, या चौथा है सभी श्रमिकों के लिए उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर व सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, उपर्युक्त में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर परिलक्षित है, 1, 2, 4, 2, 3, 1, 3, 4, या 1, 2, 3, 4। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये होगा ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ये सही है, और ये हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये बात भी गांधी जी ने कही थी और गांधीवादी सिद्धांत के पर आधारित। तो ये बाकी श्रमिकों के लिए उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, ये बात नहीं है, भारत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। करेंगे 16वां क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के पद के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, लोकसभा के अध्यक्ष की बात की गई है, पहला है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है, क्या सही है बताइए, दूसरा है उसे अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है होती है, लेकिन चुनाव की तारीख से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा, वह अगर इस्तीफा देना चाहता है तो उसके इस्तीफे का पत्र लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित होगा। तो कौन सा कथन सही है, तो केवल 1, 2, 3, या फिर 1, 2, 3 है, या कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, देख लेते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रसाद तक पद पर नहीं हो स्वतंत्र है, और उसे अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन चुनाव की तारीख से 6 महीने के भीतर वह इस्तीफा देना चाहता है तो उस इस्तीफे पर पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देगा, तो ये जो है ये गलत है। एक मिनट, तो इसमें जो होगा केवल तीसरा सही है, वह अगर इस्तीफा देना चाहता है तो उसके इस्तीफे के पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित होगा, ये सही है, बाकी ये दोनों कथन गलत हैं, तो ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो संविधान में निर्देशित सिद्धांतों को वर्गीकरण नहीं है, बल्कि हालांकि उनकी सामग्री और दिशा के आधार पर उन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में, सॉरी सॉरी ये कौन सा है क्वेश्चन, हाँ लोकसभा अध्यक्ष की बात की गई ना, तो ये जो है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा द्वारा उसके सदस्यों में से किया जाता है जितनी जल्दी हो सके उसके पहली बैठक के बाद, आम चुनाव के बाद संसद में निचले सदस्य के सदन की पहली बैठक में लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जाता है, जब भी अध्यक्ष का पद खाली होता था लोकसभा रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी अन्य सदस्य का चुनाव करती है, आमतौर पर अध्यक्ष
अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद पर बने रहते हैं। अगर वह इस्तीफा देना चाहता है तो उसके इस्तीफे का पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित होगा, ठीक है, वो अपनी इच्छा अनुसार बनाए रह सकते हैं। 17वां, भारत एक गणतंत्र है का अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता को है, या भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, या भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ये सही होगा आपका, भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है, ये गणतंत्र का अर्थ होता है। 18वां है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सफल निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए है नई दिल्ली से, ऑप्शन बी है बंगाल से, ऑप्शन सी है मुंबई से, ऑप्शन डी है प्रदेश में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, बंगाल से। अम्बेडकर संविधान सभा में पहली बार बंगाल से चुने गए और देश के विभाजन के बाद वे एम आर जयकर के स्थान पर बॉम्बे से चुने गए स्थान से अम्बेडकर संविधान सभा के लिए चुने गए थे। वह स्थान वर्तमान में बांग्लादेश में है। 19वां है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग को देश या किसी राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या सीमाओं को निर्धारित करने की शक्ति को सौंपा गया है, क्या सही है? बताइए। निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन 2001 के जनगणना परिसीमन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत किया गया, क्या सही है? तो कौन से ईयर में किया गया बताएंगे आप। दो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो या न तो एक न तो दो। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, दोनों ही ऑप्शन सही है। 2001 के जनगणना परिसीमन अधिनियम 2002 के प्रावधान के तहत किया गया और ये दोनों ऑप्शन सही है। अगला है, मिलान करना है सूची एक को सूची दो से। तो ठीक है, केंद्रीय वित्त आयोग की बात की गई, लोक लेखा समिति, नियंत्रक महालेखा परिषद, दो आर्टिकल बताने हैं। तो केंद्रीय वित्त आयोग, तो केंद्रीय वित्त आयोग, एक मिनट, हाँ, केंद्रीय वित्त आयोग के आयुक्त किस में आएगा? तो वो आपका आ जाएगा, सही है, सामने ही सही है, 280 में है। और ये लोक लेखा समिति 266 क्लॉज 2 में है, सही है। नियंत्रक का महालेखा परीक्षक की है 338 में, ये भी सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है 148 में, तो मतलब सभी सभी ऑप्शन सामने सामने सही है। तो नहीं, ऑप्शन सभी नहीं, ये इसका होगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 148 होगा और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति क्या होगा 338। मैं भी कहाँ कहाँ हो जाती हूँ, मैंने इसको देख लिया, सॉरी फॉर दैट। तो ये हो जाएगा, बाकी तो सही है दोनों। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? 1, 2, 1, 2, 4, 3, ये ऑप्शन होगा सी। अगला है 21, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निर्धारित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में से एक है? हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, या दूसरा है कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से बचाना, या तीसरा है वैज्ञानिक स्वभाव और जांच की भावना विकसित करना, या चौथा है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना। कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक, दो, दो या 1, 3, 4 या 1, 2, 3, 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सभी, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, ये सही होगा। कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से बचाना, ये नहीं है। भारतीय संविधान में निर्धारित नागरिकों मतलब मौलिक कर्तव्य थोड़ी ना है नागरिकों के। और दूसरा अगर एलिमिनेट करें हम, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, आपको आंसर ही मिल जाएगा 1, 3, 4। फिर आप पढ़ लेते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ये भी सही है। तीसरा वैज्ञानिक स्वभाव जांच की भावना विकसित करना, ये भी सही है। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछ रहा क्या, क्योंकि आरओ आरओ में अक्सर ऐसी गलती अब बहुत लोग करते हैं, आरओ आरओ में सभी एग्जाम कर देते हैं, तो इसलिए इस बात पर खास ध्यान रखिए। प्रथम अनुसूची में क्या है? तो प्रथम अनुसूची में आपका हो जाएगा, एक मिनट, मिलान करना है देखने कौन सा सुमेलित है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा ना। प्रथम अनुसूची में राज्यों का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार होता है, ये सही है। तो हाँ जी, हाँ ये सही है। और अगला क्वेश्चन है, तृतीय अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान किस प्रारूप है? और पांचवी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन है, या दसवीं है संसद और राज्य विधानमंडल में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान। तो इसमें जो गलत होगा पांचवी अनुसूची, ये पांचवी अनुसूची में ये नहीं आते हैं। पांचवी अनुसूची में क्या है? भारतीय संविधान की अनुसूची के कुल 12 अनुसूची है, तो बताइए पांचवी अनुसूची, इनमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों के बारे में। और अगला है 23वां, राजनीति निदेशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित
कथनों पर विचार करना है। ये सिद्धांत देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो या न तो एक ना तो दो। जिसका आंसर हो जाएगा बोथ आर राइट, सही बात है दोनों। 24वां है, निम्नलिखित में से कौन 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 भारत के संविधान का संरक्षक है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिव, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन कौन है? तो ये है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान का संरक्षक है? तो भारत का सर्वोच्च मतलब सुप्रीम कोर्ट, ये है ना संरक्षक। तो 25 है, निम्नलिखित में से कानपुर नगर एवं वाराणसी पुलिस आयुक्त प्रणाली कब से लागू की गई? तो कानपुर नगर और वाराणसी पुलिस आयुक्त को मार्च 2022 से या दिसंबर 2019 से, मार्च 2021 से या जनवरी 2020 से। तो ये कब लागू किया गया? ये किया गया था मार्च 2021 से। यूपी में जो है राजधानी लखनऊ और नोएडा के बाद वाराणसी और कानपुर में भी मार्च 2001 में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया। यूपी के बड़े शहर में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए इस सिस्टम का प्रस्ताव बनाकर प्रशासन को भेजा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण वाराणसी और सूबे की औद्योगिक नगरी होने के कारण कानपुर में इसे लागू करने के लिए प्रस्ताव शासन सरकार द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 26वां है, आतंकवादी हमलों से निपटने हेतु उत्तर प्रदेश में एक कमांडो ट्रेनिंग स्कूल कहाँ बनाया गया है? अनौरा लखनऊ में, टूंडला गाजियाबाद में, सोहवल अयोध्या में, प्रयागपुर गोंडा में। तो कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया है अनौरा लखनऊ में। आतंकवादी हमलों से निपटने हेतु उत्तर प्रदेश में मतलब हेतु प्रदेश में एक कमांडो ट्रेनिंग स्कूल और अनौरा लखनऊ में बनाया गया है, जबकि अंतरिम व्यवस्था के रूप में पुलिस लाइन परिसर कल्ली मोहनलालगंज और लखनऊ में कमांडो ट्रेनिंग स्कूल का संचालन किया जा रहा है। अगला 27 है, निम्नलिखित में से कौन से जैन तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में हुआ था? नेमिनाथ का, महावीर का, संभवनाथ का, ऋषभदेव का। तो अयोध्या में कौन से तीर्थंकर का जन्म हुआ? तो ऋषभदेव का हुआ था। जैन परंपरा के सर्वप्रथम तीर्थंकर आदित्यनाथ जिसे ऋषभ भी बोलते हैं, ऋषभदेव सहित चार अन्य तीर्थकारों का जन्म इसी पवित्र अयोध्या में हुआ था। इन 24 तीर्थंकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे और तीर्थकारों में प्रथम ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, चौथे अभिनंदननाथ और पांचवें सुमितनाथ एवं 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ थे। ये प्रथम तीर्थंकर की जन्मभूमि 8 एकड़ में विस्तृत विशाल मंदिर है। 28वां, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राजकीय पुष्प पलाश है, या राजकीय पक्षी क्रौच है, या राजकीय पशु बारहसिन्हा है, या राजकीय वृक्ष पीपल है। इतना तो आपको पता होगा, इसको खुद बताएंगे या मैं ही बताऊं? चलिए मैं ही बता दे रही हूँ। तो इसमें जो सही नहीं है वो राजकीय वृक्ष पीपल नहीं है। तो राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष है आपका अशोक का वृक्ष, बाकी सब सही है। क्रौच है यहाँ का राजकीय पक्षी, और राजकीय पशु बारहसिन्हा है, और राजकीय पुष्प पलाश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29 का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन, तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश क्या नेपाल है? उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, या मध्य प्रदेश राज्य से तीन तरफ से घिरा जिला ललितपुर है, या उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य झारखंड है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला झारखंड नहीं है। तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, सबसे कम न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। 30वां है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 0.6%, 20.7% या 4.7% या 6.6%। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति का उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है वो है 0.6%, वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। 31 है, जनसंख्या 2011 के तहत उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो नगरी न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला मतलब जहाँ सबसे कम नगरीय जनसंख्या रहती है श्रावस्ती है, या न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा, या न्यूनतम जनघनत्व वाला ललितपुर या जिला, या सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो ये आंसर होगा आपका डी, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नहीं है, बल्कि यह जौनपुर है। कौन है? जौनपुर है। ठीक है, बड़ी अच्छी लिखा रहे हैं, लिखा तो नहीं रहा है, चलिए जौनपुर है, याद रखिएगा। 32 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है?
तो 1 से 7 जुलाई के बीच, 2 से 8 अगस्त के बीच, या 15 से 21 जुलाई के बीच, या 15 से 20 जून के बीच। तो ये जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 1 से 7 जुलाई के बीच। 33 क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मूल रूप से सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। यह दूसरा है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना इस समिति की प्रमुख सिफारिशों में से एक था। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक तो, या न तो एक न तो दो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, वो था राइट। इसे मूल रूप से सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज जांच के लिए नियुक्त किया गया था, और त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात भी इसमें की गई थी। अगला है 34। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग जो कि मेरठ को पूर्वी भाग प्रयागराज से जोड़ने हेतु सरकार द्वारा बनाए जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे योजना से लाभान्वित जिला कौन सा होगा? जिले लखनऊ, बहराइच, कानपुर, शाहजहांपुर। तो इसे लाभान्वित जिला होगा आपका शाहजहांपुर। तो गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज शामिल है। ठीक है, 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास, व्यापार और पर्यटन क्षेत्र में होने वाली प्रगति काफी अहम भूमिका निभाएगा, ऐसी बात की जा रही है। 35 है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार 1934 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामने रखा गया था? बीजी तिलक, एम के गांधी, एम एन रॉय या मोतीलाल नेहरू। तो संविधान सभा की जो बात है वो रखी गई थी एम एन रॉय के द्वारा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 36। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग किस वर्ष की थी? तो संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई थी? 1939, 1940, 1945 या 1946। तो ये जो बात की गई थी 1940 में। तो ठीक है, जब 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की, तो वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, जिसमें किसी भी बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के गठन की मांग को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। 37 है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के सदस्य थे? सभी निर्वाचित थे, सभी नामांकित थे, या आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित थे, या कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ये होगा आंशिक रूप से निर्वाचित थे और आंशिक रूप से नामांकित थे। अब सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कौन कब हुई थी? तो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता हुई थी मई 1949 को, और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? अपनाया गया था 24 जनवरी 1950, नहीं 22 जुलाई, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान को जो अपनाया गया था वो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस तरह से ऑप्शन कौन सा होगा? ए जो है A4, तो A4 A4 टू, दूसरा जो होगा, दूसरा आपका सी, तीसरा है B3, तो ऑप्शन ए सही है। अभी मिलान करना है, घटना है, स्वीकार करने की तिथि है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चुनाव की तिथि कौन सी है? और सेकंड है आपका संविधान सभा का जो है अंतिम सत्र कब हुआ, और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, और संविधान प्रथम प्रारूप की प्रकाशन तिथि। तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद का चुनाव जो है किस तिथि को हुआ था? तो वो हुआ था आपका ये 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था। और संविधान सभा का अंतिम सत्र, संविधान सभा का जो अंतिम सत्र, एक मिनट, संविधान सभा का अंतिम सत्र ये आयोजित कब हुआ था? ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और संविधान के प्रथम प्रारूप का प्रकाशन तिथि होगा था फरवरी 1948। तो इस तरह से ऑप्शन होगा इसी फोर, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला ए भी मिलान करना है, संघ शक्ति संवैधानिक राज्य समिति, ये इस नेतृत्व किसने किया था? संघ शक्तियां संवैधानिक राज्य समिति का कौन किया था? ये किया था आपका जवाहरलाल नेहरू ने, और प्रांतीय का सरदार पटेल ने किया था, प्रारूप समिति का डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने, प्रक्रिया संचालन समिति का राजेंद्र प्रसाद। तो ये ऑप्शन देख लीजिए A4 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 इसमें है, ये मिल गया आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह कथन किसने कहा था कि संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी? नजीरुद्दीन अहमद ने, गैनविल ऑस्टिन ने, या लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने, या विस्टन चर्चिल ने। तो
तो इसी किसने कहा था, ये कहा था लॉर्ड डिस्काउंट साइमन ने। तो ठीक है, नहीं नहीं ये नहीं कहा था, ये गैडविन ऑस्टिन ने कहा था। तो ये मैं थोड़ा बता दूं, तो भारतीय संविधान आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की है। तो आलोचनों ने आरोप मतलब आलोचकों ने आरोप लगाया कि संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। ब्रिटिश संवैधानिक विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी की कि संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक दलीय देश और एक दलीय निकाय थी। अगला 42, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई? अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, आयरिश संविधान से? ये याद करना बहुत जरूरी है कि कौन सा संविधान की मतलब कौन सा अंग संविधान का कौन सा अंग कहाँ से लिया गया है। ये अब भी मैक्सिमम याद कर लीजिए, तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो जो प्रस्तावना जो है वो लिया गया था, प्रस्तावना लिया गया था अमेरिकी संविधान से। ठीक है, अगला है 43, 42वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और प्रभुत्व संपन्न। तो 1976 में संशोधन हुआ था, उसमें जो तीन शब्द जोड़े गए थे उसमें क्या नहीं जोड़ा गया था? उसमें प्रभुत्व संपन्न नहीं जोड़ा गया था, बल्कि ये तीनों जोड़े गए थे। अगला 44, निम्नलिखित में से प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो प्रस्तावना, अगर प्रस्तावना क्या आपको याद है, याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? तो प्रस्तावना में बात की गई दो प्रकार की समानता के। प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक परिचयात्मक कथन है। यह भारत के सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता समानता सुनिश्चित करता है और लोगों के बीच बीच बंधुत्व को बढ़ाता है। ठीक है, अगला है 45, लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में किस किया गया? निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक की व्यापक समझ का अर्थ क्या है? केवल राजनीतिक लोकतंत्र, केवल सामाजिक लोकतंत्र, केवल आर्थिक लोकतंत्र या उपर्युक्त सभी? तो लोकतंत्र तांत्रिक शब्द का क्या उल्लेख हो सकता है? तो ये होगा आपका सभी के सभी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। 46वां है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करता है और पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार सुरक्षित करता है? तो आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 39 है, 325 है, 326 है। तो समान अधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार सुरक्षित करने की जो बात है वो की गई है आर्टिकल 39 में। ठीक है, ये किस में आता है? डीपीएसपी में आता है। अगला है 47, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह राय दी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुबारी यूनियन केस 1960 में, केशवानंद भारती मामला 1973 में, मेनका गांधी मामला 1976 में, मिनर्वा मिल मामला 1980 में। तो ये जो बात की गई थी बेरुबारी यूनियन केस 1960 में की गई थी। अगला है 48वां, संघ और उसके क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उल्लेख संविधान के भाग एक में है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक से लेकर पांच तक संघ और राज्य क्षेत्रों को समर्पित है। तो कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो, या ना तो एक ना तो दो? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। इसका उल्लेख संविधान के भाग एक में है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक से पांच तक संघ और उसके क्षेत्रों को समर्पित है। ये गलत है। क्यों गलत है? भारत के संविधान का प्रथम भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत के आधिकारिक नाम, राज्य क्षेत्र घटक एवं संघ के संसद के राज्य क्षेत्र की सीमाओं के संबंधित बात की गई है। इस भाग में चार अनुच्छेद हैं, एक से लेकर चार तक है, ना कि पांच तक है। 49वां है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? राज्य क्षेत्र का, केंद्र प्रशासित शासित क्षेत्र प्रदेश का है, या वे क्षेत्र जो भारत द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद एक में किसकी बात की गई है? तो जो बात की गई है वो की गई है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की। 50वां है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को भारत संघ में प्रवेश करने या नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति देता है? तो भारत संघ में प्रवेश और नए राज्य की स्थापना, अनुच्छेद एक, अनुच्छेद दो, अनुच्छेद तीन, अनुच्छेद चार। अनुच्छेद याद करना बहुत जरूरी है, कुछ तो याद ही कर लीजिए। तो अनुच्छेद दो में भी बात की गई है। और 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह अधिकार देता है कि अनुच्छेद दो ती और तीन के तहत बनाए गए कानून को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा और ऐसा करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है? अनुच्छेद एक में ये बात की गई कि अनुच्छेद दो में, कि अनुच्छेद तीन में, कि अनुच्छेद चार में? तो ये जो बात की गई है वो की गई अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 4 में। ठीक है, तो 36वां, संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूरी तरह से राज्य मिलाया गया था और इसमें संविधान में अनुच्छेद 371 एफ शामिल था और कुछ प्रावधान 30 सदस्यों से कम की विधानसभा नहीं हो सकती, लोकसभा में एक सीट और संसदीय क्षेत्र में एक सीट, राज्यपाल पास के पास राज्य में कानून और व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक विकास को बनाए रखने की जिम्मेदारी, सब किया गया था इसमें।
52 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन सिक्किम को भारत संघ में शामिल करने संबंधित है? 35वां, 36वां, 37वां या 38वां? तो अभी तो मैंने आपको बताया, तो वो होता है आपका 36वां संविधान संशोधन। अगला है 53। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों और विदेश दोनों के लिए उपलब्ध है? तो आपको पता है ना, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं, तो अभी बात करेंगे दोनों की, जो जो दोनों को मिले हुए हैं। अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ, या उच्च अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का अधिकार, या अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की सभा तथा संघ आंदोलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार, यह आर्टिकल 20 के तहत अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इसका आर्टिकल हो जाएगा, मतलब दोनों के लिए उपलब्ध है, आर्टिकल डी, मतलब आर्टिकल 4D वाला है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो नागरिकों में विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध मौलिक अधिकार शत्रु देश को छोड़कर बात की गई है। अनुच्छेद 40 विधि के समक्ष समता, मतलब विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 19-21 जो है एवं दैहिक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और 21 है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 है कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी संरक्षण, और अनुच्छेद 23 में बलात्कार एवं अवैध मानव व्यापार, इनकी बात की गई है। अगला है 54। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद, मतलब में से अनुच्छेद 11 से किससे संबंधित है? अनुच्छेद देखिए टारगेट आर्टिकल पूछा है, तो पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के लिए के अधिकार की बात की गई है। बी है पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार से बात की गई है, या स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं है, या डी है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी, कि मतलब किसको नागरिकता देनी है, किसकी हटानी है। 55 क्या है? मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मौलिक अधिकार पूछ रहा है, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार प्रकृति से न्याय योग्य है, और भी हमारे संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के मौलिक अधिकारों से भी अधिक विस्तृत है। मौलिक अधिकार सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए है, या डी है व्यक्तियों के समग्र विकास भौतिक, बौद्धिक और नैतिक और आध्यात्मिक के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी, मौलिक अधिकार सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए है, ये जो है कथन सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो मौलिक अधिकार जो है जिनका दावा हम भारत में कोई नागरिक करता है, यह भारतीय संविधान में एक आवश्यक परिवर्तन है। भारत का कोई भी नागरिक इन अधिकारों की मांग करने की स्थिति में है, इसमें जीवन का मौलिक अधिकार शामिल है, और लोगों को के साथ राज्य के साथ साथ अन्य प्रभावशाली शक्तियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से बचाना भी शामिल है। 56 क्या है? अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को निम्नलिखित में से किस आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो कौन से अधिकार हैं वो? युद्ध, बाहरी आक्रमक, आक्रमकता, सशस्त्र विद्रोह, या परिघ से कोई नहीं। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा सशस्त्र विद्रोह, मतलब 1919 के द्वारा गारंटी के 6 अधिकारों को निम्नलिखित में से किस आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता? तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, जो इसका मिसयूज किया था इंदिरा गांधी ने। 57 क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है? राज्य की परिभाषा कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 11, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14। तो ये बात की गई आर्टिकल 12 में, 12वें आर्टिकल में बात की गई राज्य की परिभाषा के बारे में। 98वां क्वेश्चन है, सैन्य एवं शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, तो कौन से आर्टिकल में है? वो हो जाएगा आपका आर्टिकल डी में, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 18 में बात की गई शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों के उन्मूलन की। 59 क्या है? अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में सुरक्षा की गारंटी किसके तहत दी जाती है? तो दो सिद्धि के में सुरक्षा की गारंटी अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में। तो ये जो बात की गई ये की गई है अनुच्छेद 20 में। अगला है 60 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति की गारंटी किसके अंतर्गत दी गई है? आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29। तो करों के भुगतान से मुक्ति की गारंटी किसके अंतर्गत की गई है? ये दी गई है अनुच्छेद 27, मतलब आर्टिकल 27 के अंतर्गत किसी भी धर्म के प्रचार की करों के भुगतान से मुक्ति दी गई है। 61 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यापक व्याख्या करता है? गोपाल
गोपालन केस 1950 का, केशवानंद भारती केस 1973 का, मेनका गांधी 1978 का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मेनका केस 1978 में। तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में, 1977 में मेनका गांधी का पासपोर्ट वर्तमान सत्तारूढ़ जनता पार्टी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इसके जवाब में उन्होंने सरकार के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में सरकार का पक्ष न लेते हुए एक अहम फैसला सुनाया। यह निर्णय 7 न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा किया गया था। इसमें इस खंडपीठ के द्वारा संविधान के आर्टिकल 21 में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को दोहराया गया, जिससे यह फैसला मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बना। वर्ष 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ में अपने फैसले से में स्पष्ट किया था कि भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। ए के गोपालन बनाम मद्रास में 1950 में ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसमें न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के लिए भारतीय अदालतों को मानक की उचित प्रक्रिया लागू करने की आवश्यकता नहीं है। अगला है 62। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक की परिभाषा के अंतर्गत आता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, केवल भाषाई अल्पसंख्यक, या केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, या केवल धार्मिक भाषाई और सामाजिक अल्पसंख्यक? तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक की परिभाषा के अंतर्गत क्या आता है? तो ये आता है आपका केवल भाषाई अल्पसंख्यक। धर्म या भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन का अधिकार दिया गया है। 63 क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रिट के बारे में बात की है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और समान कानून दोनों के लिए रिट जारी कर सकता है। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो सही है, जी हाँ सही है। तो सर्वोच्च न्यायालय भारत के पूरे क्षेत्र में किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में भीतर या केंद्रीय क्षेत्र अधिकार के बाहर रिट जारी कर सकता है, यदि कार्रवाई का कारण उसके क्षेत्रीय अधिकार के भीतर उत्पन्न होता है। ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय अपने रिट क्षेत्र अधिकार का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकते हैं। ये बात भी सही है। और डी है, रिट के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के पास उच्च न्यायालय से अधिक शक्तियां हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। डी गलत है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवे मतलब सॉरी सॉरी ये उच्च न्यायालयों के पास बुनियादी अधिकारों को बनाए रखने के लिए जारी करने के अलावा अतिरिक्त शक्तियां होती हैं, इनके पास सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अधिकार हैं। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत जैसे अधिकारों का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट जारी करनी चाहिए। रिट देते समय उच्च न्यायालय के पास विवेकाधिकार होता है। इस प्रकार रिट क्षेत्र अधिकार संबंध में उच्च न्यायालय के पास सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्तियां हैं। 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करता है? तो आर्टिकल 31, आर्टिकल 32, आर्टिकल 34 या आर्टिकल 33 या 34? तो 34 होगा। 65वां है, मिलान करना। उपाधियों का उन्मूलन कौन से आर्टिकल में है? तो उपाधियों का उन्मूलन जो है वो आपका हो जाएगा, उपाधियों का उन्मूलन होता है आर्टिकल 18 में। इसके पहले तो बताया था मैंने, धार्मिक मामलों की प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो ये हो जाएगा आर्टिकल धार्मिक मामलों में आर्टिकल 26, और अल्पसंख्यकों की भाषा की संरचना, तो आर्टिकल हो जाएगा 29, और शिक्षा का अधिकार 21A में। तो A3 इसमें है, B4 ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही। 66 होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिक और शक्ति आधिकारिकता और शक्तियां उनकी प्रकृति एवं विस्तार के अनुसार किसी भी अन्य क्षेत्र देश के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक है। कारण है अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर सुनना है। ए आर दोनों सत्य हैं। ए आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ए आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और कथन ए सी है, कथन ए सत्य है लेकिन आर गलत है। डी है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये देखना है। तो ये जो होगा बी होगा, दोनों सत्य हैं लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं करते हैं। 67 है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बी आर अम्बेडकर द्वारा अद्वितीय विशेषता माना गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति, निर्देशक तत्व, सिद्धांत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अम्बेडकर द्वारा अद्वितीय विशेषता किसको माना गया है?
तो उन्होंने कहा था मौलिक अधिकार को, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो हो जाएगा आपका ये सही। एक मिनट समित, एक मिनट रिचेक में। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन कंसीडर एज द यूनिक फीचर। अच्छा, यूनिक फीचर की बात की गई, तो बात की गई थी डीपीएसपी की, डीपीएसपी की बात की गई। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान के पार्ट 4 में किया गया है और अनुच्छेद 36 से इसमें 51 तक है, और 51A में क्या है बताइए। ठीक है, 68 करेंगे अब हम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत स्थापित करने का उद्देश्य नहीं है? कल्याणकारी राज, आर्थिक लोकतंत्र, या सामाजिक लोकतंत्र, या राजनीतिक लोकतंत्र? तो ये आंसर हो जाएगा आपका राजनीतिक लोकतंत्र, 69 है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, या अनुच्छेद 41? तो ये आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40। 17वां, 70 नंबर का क्वेश्चन है, गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 39, 39 ए, 43 ए, 48 ए। तो ये आर्टिकल तो रटने ही पड़ेंगे आपको, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 39A में बात की गई, गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता देना। अगला है 71, सर्वोच्च न्यायालय ने किस फैसले में कहा कि मौलिक अधिकार पवित्र है और संसद के पास इसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं है? चंपकम दोईराजन मामला 1951 में कहा, या गोलकनाथ केस 1967 में, केशवनाथ भारती मामला 1973 में, या मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में? तो ये जो कहा गया था, ये कहा गया था आपके गोलकनाथ केस 1967 में कहा गया था। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जिसे संक्षेप में गोलकनाथ केस भी कहते हैं, का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1967 में दिया गया। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकार पवित्र है तथा संविधान में वर्णित मूल अधिकारों में संसद द्वारा कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतें संगठित करने का राइट देता, निर्देश देता है? तो वह है आर्टिकल 32, आर्टिकल 40, या आर्टिकल 48, या आर्टिकल 51? तो वह है आर्टिकल 40, डीपीएसपी में दिया गया है। 73 है, स्वर्ण सिंह समिति ने निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्य सुझाए थे? 8, 9, 10, 11? तो उन्होंने सुझाए थे 10 मौलिक कर्तव्य, ठीक है, नहीं, 10 नहीं, तब 8 ही थे। हाँ, स्वर्ण सिंह समिति भारत मौलिक कर्तव्य में संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान की में 8 की जगह 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और मतलब इन्होंने 8 कहा थे लेकिन 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 11वां कब जोड़ा गया आप बताइएगा। और चलिए आगे करते हैं। 74 है, 42 अमेंडमेंट मतलब संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे कितने? 8, 9, 10, 11? तो 1976 में ये जो जोड़े गए थे, ये जोड़े गए थे 10 मौलिक कर्तव्य। और ये 11वां कब जोड़ा गया था आप कमेंट बॉक्स बताइएगा। 75वां है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्यों और 6 संघ को मान्यता दी गई? 7वां संवैधानिक संशोधन, 8वां संवैधानिक संशोधन, 9वां संवैधानिक संशोधन, या 10वां संवैधानिक संशोधन? तो वह 7वां संवैधानिक संशोधन। 76वां है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने चुनाव न्यायाधिकरण की व्यवस्था को समाप्त किया कर दिया और चुनाव याचिकाओं को सुनवाई की और शक्ति उच्च न्यायालय को दे दी? तो ये जो है ये सही हो जाएगा आपका 76वां, सिटीजनशिप अमेंडमेंट है ये, ये अमेंडमेंट है 1966 का, 21वां CAA 1967 का, या 22वां CAA 1969 का, 23वां है 1969 का? तो ये कौन सा है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका 19वां CAA 1966 का। अगला है 77वां का, मिलान करना है। 10वीं CAA 1961 में क्या प्रावधान है? तो 10वीं CAA में प्रावधान है, एक मिनट, ये प्रावधान दिया गया, दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल करना। और 12वें CEA में बात की गई है किसकी? ये 12वें CEA में बात की गई है गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल करना। और 13वें में बात की गई है ये नागालैंड को राज्य का दर्जा और विशेष प्रावधान देना। और 14वें में बात की गई पौडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल करना। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा A4 इसी में ना, तो ऑप्शन बी सही है। 78 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया विश्व के किस संविधान पर आधारित है?
तो दक्षिण अफ्रीका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो किसकी बात की गई? निर्धारित भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अगला है 79, अनुच्छेद 368 के, 68 के संविधान की संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 10 में है, भाग 6 में है, भाग 9 में है, भाग 20 में है? तो ये जो है भाग 20, मतलब 20वें भाग में है। 80 है, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की मुख्य विशेषता नहीं है? दोहरी सरकार, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार होनी चाहिए, एक लिखित संविधान होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, संविधान कठोर या लचीला होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है ये हो जाएगा संविधान कठोर और लचीला, लचीला हो सकता है, ये उसकी विशेषता नहीं है। 81वां है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघी को अर्ध संघी कहा? तो के संथानम ने, या के सी वियर ने, या आइवर जेनिंग्स ने, या मॉरिस जॉन्स ने? तो ये जो कहा है वो कहा है के सी वियर ने कहा था भारतीय संघी को अर्ध संघी क्वासी फेडरल कहा। तो 82 है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 245 और 255 किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध, या केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध से, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध से, राज्यपाल की शक्तियों से? तो ये जो है ये संबंधित है केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध से, अनुच्छेद 245 और 255 में इसकी बात की गई है। 83 है, राष्ट्रपति ने के कुछ राज्यों में जनजाति क्षेत्रों, मतलब स्वायत्त जिलों के शासन को कुछ शक्तियां दी हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इन श्रेणी में नहीं आता है? असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम? तो वो नहीं आता है असम, असम नहीं है, तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 84, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। ऊपर इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, या एक दो, या ना तो एक ना तो दो? तो ये जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा दोनों का दोनों सही। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में समक्ष रखता है, ये भी सही है। 85 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा वैधानिक आधार दिया गया है, वैधानिक आधार 1993 के द्वारा दिया गया है, या मानव अधिकार की क्षेत्र में काम करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और संस्था के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है? तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, या न तो एक को ना तो दो? तो ये आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। इसे मानवाधिकार संरक्षण 1993 द्वारा वैधानिक आधार दिया गया और ये मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और संस्था के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। 86 है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये जो करते हैं ये करते हैं राज्य के राज्यपाल। अगला है 87, निम्नलिखित में से राज्य चुनाव आयुक्त आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो ये जो करते हैं ये करते हैं राज्य के राज्यपाल। 88 है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संघ कार्यपालिका से संबंधित है? भाग 3, 4, या 4A, या 5? तो संघ की कार्यपालिका जो संबंधित है आर्टिकल है वो है 5वां आर्टिकल है। 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव? तो वह है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के अटॉर्नी जनरल, संघ लोक आयोग के अध्यक्ष? तो कौन नहीं है? तो वो नहीं है, ये संघ लोक आयोग के अध्यक्ष नहीं है। 90 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, उसे उस राज्य के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, उसके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। तो इसमें कौन सा गलत है? तो ये जो गलत ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा, उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला है 91, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग अभियोग चलाने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, या उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत, और कुछ सदस्यता का 50%, या साधारण बहुमत, या उपरोक्त से कोई नहीं? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुल सदस्यता का 1/2 बहुमत आवश्यक होता है।
92 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार नहीं है? युद्ध, बाहरी आक्रामक और सशस्त्र विद्रोह, या आंतरिक अशांति? तो ये जो हो जाएगा वो आंतरिक अशांति, ये आपातकाल का आधार घोषणा नहीं है, इसको पहले हटा दिया गया। 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? आर्टिकल 1 मतलब 110 या 111, 117 या 123, कौन सा आर्टिकल देता है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति? तो वो देता है आपका अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है जब संसद का दोनों सदन सत्र में नहीं होता है, या राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति माना जाता है। 94 है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया? 38वां संशोधन अधिनियम 1975 का, या 42वां संविधान संशोधन 1976 का, या 44वां संविधान संशोधन 1978 का, या 101वां संविधान संशोधन 2016 का? तो ये जो आंसर हो जाएगा वो होगा 38वां संविधान संशोधन 1976 का। 95 नंबर का क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। आयोग के निर्णय लेने में सभी चुनाव आयुक्तों का समान अधिकार होता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, या न तो एक न तो दो? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। चुनाव आयुक्त के संबंध में चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है, सही है। आयोग के निर्णय में लेने में सभी चुनाव आयुक्तों का समान अधिकार होता है, ये भी सही है। 96 का क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय संविधान द्वारा गठित एक स्थायी और स्वायत्त निकाय है। वर्तमान में दो चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो, या ना तो एक ना तो दो? तो ये जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। तो अनुच्छेद 352 में, एक मिनट, ये जो है ये, हाँ, दोनों ऑप्शन सही है। क्योंकि भारत का चुनाव आयुक्त जो है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान द्वारा गठित एक स्थायी और स्वायत्त निकाय है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का चुनाव आयोग एक स्वशासी संवैधानिक निकाय है जो भारत में चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। भारत के संविधान 324 में, अनुच्छेद 324 में, प्रत्येक राज्य की संसद और विधानमंडल भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कार्यकालों के चुनाव के संचालन के लिए पूरी प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत के चुनाव आयोग को सौंपा गया है। 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 355, आर्टिकल 356, आर्टिकल 352 या आर्टिकल 360? एक मिनट, तो सॉरी ये हो जाता है कभी कभी नौटंकी इसकी। तो कौन से आर्टिकल की बात की गई है? तो वो बात की गई है आर्टिकल, कौन सा राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन की बात की गई, 355, 356 में, 352 या 360 में? तो कौन से आर्टिकल में आता है? वो आता है आपका 356 में, 356 में है। 98 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा अंतरराज्य परिषद की स्थापना का अधिकार देता है? अनुच्छेद 362, 364, 263, 263 या 262? तो अंतरराष्ट्रीय परिषद की स्थापना की बात कौन से आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल नंबर 263 में की गई है। 99 नंबर का क्वेश्चन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल विधायी कार्रवाई द्वारा बनाया गया था और संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। कहेक भारतीय लेखा परीक्षा का एवं लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षक है, कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, या न तो एक ना तो दो? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो सही है। कहेक जो है भारतीय लेखा परीक्षक एक लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षक है, और ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि कैग भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकारी है, वह भारतीय लेखा परीक्षा लेखा विभाग के प्रमुख और सार्वजनिक धन के मुख्य संरक्षक है। यह संस्था है जिसके माध्यम सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों की संसद और राज्य विधानमंडलों के माध्यम से जनता को प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, आर्टिकल है ना इसके लिए। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है आप बताइएगा कैग में। अगला है 100 नंबर का क्वेश्चन, चलिए 100 सेंचुरी पहुंचे हम। पंचायत राज के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होते हैं। पंचायत की प्रारंभिक विफलता को दूर करने के लिए अशोक मेहता समिति ने 1977 में दो स्तरीय शासन योजना का प्रस्ताव किया, कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल एक दो, या दो है सही केवल, या ना तो एक ना तो दो? कोई भी सही नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी, दोनों के दोनों कथन सही है।
यदि पंचायत भंग हो जाएगी 6 महीने के भीतर उसमें चुनाव कराया जाएगा। और पंचायत राज की प्रारंभिक विफलता को दूर करने के लिए अशोक मेहता समिति ने 1977 में दो स्तरीय शासन योजना का प्रस्ताव रखा था। तो ये जो है भारत में पंचायत जो है शब्द ग्रामीण स्थानीय सुशासन प्रणाली के प्रतीक है। इसकी स्थापना उस स्थान भारत के बलवंत राय मेहता समिति की सलाह पर की गई थी। इस योजना में परिणाम स्वरूप 1969 में राजस्थान में पहली पंचायत की शुरुआत की गई थी। इस विफलता को दूर करने के लिए 1977 में अशोक मेहता नामक एक नई समिति का गठन किया गया था। ठीक है, 101 है। स्थानीय निकायों के वित्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक पंचायत केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही अनुदान सहायता प्राप्त कर सकती है। या दूसरा ऑप्शन है, दूसरा स्टेटमेंट है, निर्दिष्ट या साझा राजस्व वह है जो राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है लेकिन स्थानीय निकायों के स्थान साथ स्थानांतरित किया जाता है। कौन सा कथन सही है? 1-2 या 1-2 या ना तो 1 ना तो 2, जिसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा सही है। प्रत्येक पंचायत केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर अनुदान सहायता प्राप्त कर सकती है, ये गलत है क्योंकि प्रत्येक पंचायत को राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर राज्य निधि से सहायता या अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है। अगला है 102। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, राष्ट्रीय चंद्र प्रभा वन्य जीव विहार, किशनपुर वन्य जीव विहार या हस्तिनपुर वन्य जीव विहार? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, चंद्रप्रभा वन्य जीव। ये जो है सबसे पुराना है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। बताइए 1957 में हुई थी। ये खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। ये घने जंगलों और प्राकृतिक झरनों जैसे राजधारी और देवदारी से घिरा हुआ है। इसे एशियाई शेरों के वास के रूप में भी जाना जाता है। 103 है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार में शामिल है? भारत सरकार और एक एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, या संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के चुनाव के संबंध विवाद, या भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के बीच विवाद, या दो राज्यों के बीच विवाद, या अधिक राज्यों के बीच विवाद? कौन सा कोड सही है? 1-2, 2-3, 1-4 या 3-4? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये पहला तो सही है, भारत सरकार या एक से अधिक के बीच विवाद, ये सही है। दूसरा गलत है, संसद के किसी भी सदन या किसी अन्य विधानमंडल के चुनाव के संबंध विवाद, ये गलत है। और तीसरा भी गलत है, भारत सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विवाद, ये गलत है। दो राज्यों के जल विवाद, ये सही है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। 104 है। भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं? किसी राज्य के मौजूद क्षेत्र को बदलना और किसी राज्य का नाम बदलना, या संसद को राज्य सूची में कानून बनाने और एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार देने वाला एक प्रस्ताव पारित करना, या राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में संशोधन करना, या सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति की पेंशन का निर्धारण करना, या चुनाव आयोग के कार्यों का निर्धारण करना तथा चुनाव आयुक्तों की संख्या का निर्धारण करना? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, संसद को राज्य सूची में कानून बनाने और एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार देने वाला एक प्रस्ताव पारित करना। 105 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रावधान से संबंधित है? न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, भारत की संचित निधि, सर्वोच्च न्यायालय की सभी खर्च वहन करती है, या अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति? कौन सा प्रावधान संबंधित है निम्नलिखित में स्वतंत्र न्यायपालिका के संबंध में? तो वो जो सही है वो है उपर्युक्त सभी के सभी सही है। न्यायपालिका मतलब न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, भारत की संचित निधि, सर्वोच्च न्यायालय के सभी सभी खर्च वहन करती है, ये भी सही है। अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी सब सही है। 106 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल संविधान की विशेषता नहीं है? मूल संविधान की विशेषता कौन सी नहीं? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, एकल नागरिकता। तो ये जो सही नहीं है ये आपका हो जाएगा बी, मौलिक कर्तव्य। ये संविधान की विशेषता नहीं है, मूल संविधान की विशेषता नहीं है, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, एकल नागरिकता, ये तो है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला है 107 नंबर का क्वेश्चन। 107 नंबर का क्वेश्चन अब हम करेंगे, मिलान करना है, नहीं मिलान नहीं करना, संविधान का भाग प्रावधान, तो इसमें क्या करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो देखना है। भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, क्या सही है? डीपीएसपी की बात की गई है, तो ये जो है ये सही है। और 9A में सहकारी समितियां हैं, तो ये 9B में है ना कि A में है, तो ये गलत हो गया, यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और दूसरा है नागरिकता सही है, और ये 18वें में आपातकालीन प्रावधान है, ये भी सही है। 108 है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, त्रिस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वित्तीय आपातकाल या उपर्युक्त सभी? तो संविधान की विशेषताएं कौन सी हो जाएंगी, इसमें हो जाएंगी सभी के सभी। 109वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, महाधिवक्ता? महाधिवक्ता तो कौन देता है भारत सरकार को सलाह,
तो सलाहकारी जो निकाय है वो है आपका महाधिवक्ता का, अटॉर्नी जनरल। 110 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्य हुए बिना संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? महान्यायवादी, मुख्य सूचना आयुक्त, चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक। तो ये जो हो जाएगा ये होगा महान्यायवादी। अगला है 111 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सहकारी दूध समिति की स्थापना कब की गई? 1912, 1917, 1921 या 1925? तो ये जो की गई थी वो की गई थी 1917 में। 112 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 30 जनवरी को राम भाव मालगी प्रबोधनी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप द्वारा आयोजित भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? शेरपा अमिताभ कांत ने, नरेंद्र मोदी ने, या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, विदेश मंत्री जयशंकर ने? तो किसने किया था? ये किया था ए शेरपा अमिताभ कांत ने। तो भारत के G20 शेरपा अभिकांत कांत जी ट्वेंटी शेरपा भी अमिताभ कांत ने 30 जनवरी को राम भाव मालगी प्रबोधनी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप द्वारा मुंबई में आयोजित भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। 113 बायो एशिया 2023 के लिए हाल ही में किसे भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है? यूएसए को, यूनाइटेड किंगडम को, फ्रांस को, या इनमें से कोई किसी को नहीं? तो वो जो किया गया वो किया गया यूनाइटेड किंगडम को। 114 नंबर का क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 3 फरवरी को, 2 फरवरी को, 4 फरवरी को? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। 115 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में खजुराहो डांस डांस फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया? मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। तो जो आयोजन किया गया वो मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश के खजुराहो डांस फेस्टिवल 2023 में 20 से 26 फरवरी तक हुआ था। और 116 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन निम्नलिखित में से किस वर्ष तक हेरिटेज रूट्स पर चलेगी? जून 2023 तक, अगस्त 2023 तक, अक्टूबर 2023 तक, या दिसंबर 2023 तक? तो ये जो है वो सही है दिसंबर 2023 तक। 117 नंबर का क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा सही है, असत्य है पूछा है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कश्मीर फाइल्स को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए जीता। और कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री का पुरस्कार रेखा को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार एस राजा मौली को RRR के फिल्म के लिए दिया गया। तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो है डी है सर्वा, एक मिनट, इसमें असत्य पूछा है कि दादा साहब, अच्छा दादा साहब फाल्के, ये जो है डी वाला गलत है, बाकी सब सही है। 118, हाल ही में किसने देवघर झारखंड झारखंड में इफको नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी? नरेंद्र मोदी ने, श्री पीयूष गोयल ने, अमित शाह ने, उपरी में से कोई नहीं? तो ये जो रखी है ये अमित शाह ने रखी। अगला 119 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री ल्यूमिनस किस राज्य में बनाई जाएगी? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, या बिहार में, या झारखंड में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड में। 120 नंबर का क्वेश्चन है, 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? भारत करेगा, या ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, या इनमें से कोई नहीं? तो फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी जो करेगा वो करेगा सऊदी अरब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 121, हाल ही में स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? आयुष मंत्रालय ने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, या उनमें से कोई नहीं? तो ये जो किया वो किया आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय के तहत दो प्रमुख संस्थानों के भारतीय चिकित्सा प्रणाली के राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्मार्ट कार्यक्रम, मतलब स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदिक रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, इसका फुल फॉर्म है, के रूप में शुरू किया। अगला 122, वित्त वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व बजट का लगभग, ये क्या है, लगभग 68,511.65 करोड़ रुपए अनुमानित किए गए, या फिर ये है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4% है? तो निश्चित कूट कौन सा सही है? एक है, दो है, या एक दो है, या कोई नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, ये 4% नहीं है, कितना है, 3.348% है। अगला है 123 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 प्रदेश के कितने शहरों के लिए मेट्रो परियोजना संचालन का प्रस्ताव जारी किया गया?
वाराणसी, आगरा, कानपुर, गोरखपुर या बरेली? ऊपर इन कितने कथन सही हैं, कौन कौन से कूट सही हैं? एक दो चार पाँच, एक तीन चार, या ये दो तीन चार पाँच, या एक दो तीन चार? तो इसमें से कौन सा सही है? ये सही हो जाएगा, एक दो तीन चार, मतलब ये वाराणसी सही है, आगरा सही है, कानपुर, गोरखपुर, बरेली नहीं है इसमें। ओके, अगला है 124 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, पूछा है? तो झांसी लिंक एक्सप्रेसवे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे कितने करोड़ रुपए में बना? 235 रुपए करोड़ रुपए में, या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 550 करोड़ रुपए, और ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर औद्योगिक गलियारा 200 करोड़ रुपए? तो कौन सा सुमेलित है? तो 124 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका, ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर औद्योगिक गलियारा 200 करोड़ में, ये सही है। ठीक है, अगला है ये बुंदेलखंड वाला जो है, बुंदेलखंड वाला 550 करोड़ रुपए, 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्ताव, ये तो सही है, ये तो सही है, 550 की बात की है ना बुंदेलखंड की, ये सही है। शायद मैंने स्क्रीन पॉज ही नहीं किया, पॉज कर दिया था, मैंने बताया नहीं आपको। तो कहाँ तक थे हम, कौन से क्वेश्चन पे थे हम? कहाँ तक हुआ था, ये तो हो गया था ना आपका, ये होना था शायद, ये हो गया था, ये भी हो गया था। और उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 के कितने शहरों के लिए मेट्रो परियोजना संचालित की गई, ये हो गया था आपका, एक दो तीन, मतलब ये सारे, मतलब वाराणसी, आगरा, कानपुर, गोरखपुर में, बरेली में, और इसमें ये मिलान करना था, यही तो था शायद। तो इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो मैं मुझे लगा कि ये जो है ये इसमें से देना है ऑप्शन, मैंने देखा तो ये कोट जो है सभी के सभी सही है। और 125वां है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के लिए कितने धनराशि प्रावधान किया, तो 631.93 करोड़ रुपए की। और आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए भूमि बचाओ अभियान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ से शुरू की है, गोवा से शुरू की उन्होंने। और 127 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस वर्ष तक वनावरण में वृक्षारोपण 15% तक किए जाने का लक्ष्य था, तो वो है 2027 तक है ना, 2027 तक है, 27 नहीं 2030 तक का है, 27 तक का नहीं है। तो इसको मैं करा चुकी थी एक्चुअली, क्या है मैंने देखा नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं ऑन थी, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ स्टार्ट। हाल ही में केंद्र सरकार ने आईटीबीपी के लिए चीन, भारत और चीन की सीमा की सुरक्षा के लिए कितने बटालियन की घोषणा की, मतलब मंजूरी दी, वो 7 बटालियन बनाई। अब करेंगे 129 का क्वेश्चन, 129 नंबर के क्वेश्चन। हाल ही में वैश्विक हैकाथान अग्रदूत 2023 की घोषणा किस बैंक ने की, सिंगापुर बैंक ने, बैंक ऑफ अमेरिका ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, एशियाई विकास बैंक ने? तो ये जो घोषणा की, ये की है भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने। 130 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इफको आईएफएफसीओ के नैनो यूरिया तरल लिक्विड संयंत्र का उद्घाटन किया, तो गोरखपुर, आंवला आंवला या फूलपुर या नैनी में? तो कौन सा कोट सही है, एक दो, या दो तीन, या तीन चार, या फिर एक पाँच चार? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये दूसरे तीसरे में, मतलब आंवला और फूलपुर में किया। अगला है 131 नंबर का क्वेश्चन, ये जो है मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, मेरे पेन चलाने में प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं इसको आंसर बता दूंगी, ये जो कुछ होगा मैं थोड़ा बहुत बता दूंगी, आप कर लीजिएगा। तो देखना पैटर्न है, इस पैटर्न पर गलत पद का कौन सा ज्ञात कीजिए, तो इसे 266 है, 234 है, 204, 176, 145, 126 है, तो इस पैटर्न में क्या शामिल है, कौन सा गलत होगा, तो देखते हैं। तो इस 234 है, 204 है, तो ये क्या हो रहा है, तो 234 है, 204 है, तो इसमें ये 266 है ना पहले, तो ठीक है 266 है, तो 266 कब बनेगा, जब हम इसमें 10 जोड़ेंगे इसमें, अच्छा ठीक है, इसमें से अगर हम घटाएंगे कितना, 9, नहीं, एक मिनट, इस पैटर्न का प्रकार कैसे होगा, तो 266 है और 234 है, तो इसको माइनस किया गया है, तो सब घटे थे क्रम में, तो इसका मतलब घटाया गया है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका डी, 145 होगा, और ये पैटर्न गलत है, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, और नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा।
क्योंकि इतना टाइम नहीं है, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। और दूसरी बात ये है कि मैं इसको थोड़ा पेन मेरी प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा बता नहीं पाऊंगी आपको। दिए गए व्यंजक में यक्स के स्थान पर क्या आएगा? तो 36 15 प्लस यक्स क्या है, जो भी दिया है 36 × 15 तो प्लस यक्स माइनस 35 × 18 इक्वल टू 55 × 20, तो क्या हो आएगा इसके स्थान पर, इसको कैलकुलेट करिएगा। ये आ जाएगा आपका बी 1190, सॉरी 1190। और एक 31 नंबर का क्वेश्चन है, ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है, ए की दोनों बहनों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, यदि ए बड़ी बहन है तो बड़ी बहन से 11 वर्ष छोटी है, ए जो है बड़ी बहन से 11 वर्ष छोटी है, तो छोटी बहन बी के समान आयु की है, तो 10 वर्ष बाद सभी 4 सदस्यों की आयु का योग क्या होगा? तो 4 सदस्यों का आयु का योग क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा बी 145 होगा। 134 से 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 2 सेमी, 4 सेमी, 6 सेमी, 8 सेमी, तो ये आंसर हो जाएगा 8 सेमी। अगला 135, वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 398 और 436 और 542 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 11 और 15 शेष बचेगा, 17 है, 11 है, 34 है, 45 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 17। अगला है 136, 5, 15, 20 के एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अनुपात क्या होगा? 9:1 होगा, 4:3 होगी, 11:1 होगा या 12:1 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 12:1। 137 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विधान पूर्वक अध्ययन करें और कीमतों के अनुसार सही है कालानुक्रम लगाएं। तो सोना, लोहा, रेत, तांबा, चांदी, तो सबसे ज्यादा महंगा कौन है, सस्ता कौन है, गजब का क्वेश्चन है। तो 137 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी सबसे ज्यादा अच्छा प्रश्न ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, कीमतों के अनुसार सही कालानुक्रम लगाएं। तो ये है रेत, फिर मतलब रेत का कम होगा, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका लोहे का, फिर उसके बाद आएगा आपका क्या, तांबा आएगा, फिर चांदी आएगा, फिर सोना आएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 137। 138 नंबर क्वेश्चन है, यदि किताबों को घड़ी कहा जाता है और घड़ी को बैग कहा जाता है, तो बैग को शब्दकोश कहा जाता है और शब्दकोश को खिड़की कहा जाता है, तो किताबें ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो किताबें ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, वो किया जाएगा आपका शब्दकोश का। तो ये जो लास्ट में वर्ड आता है, लगभग रिलेटेड उसी से होंगे, किताबों को खिड़की कहा जाता है, तो किताबें ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, तो शब्दकोश का। तो ठीक है, किताबों को ही तो घर खिड़की कहा गया है, शब्दकोश को खिड़की कहा गया है, बैग को शब्दकोश कहा गया है। ठीक है, अगला है 139, कैलाश का मुख उत्तर की ओर है, वह अपने दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर वह बाईं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाहिनी ओर 25 मीटर चलता है, फिर वो दोबारा अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, 55 मीटर चलता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, 40 मीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में है? तो ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी दक्षिण पूर्व में। लास्ट क्वेश्चन पहुंच गए हम, जी यच से मोटा है लेकिन यम जितना मोटा नहीं है, मतलब जी यच से मोटा है, जी जो है यच से मोटा है और लेकिन यम जितना मोटा नहीं है, और यम जितना मोटा नहीं है, क्यू भी यम जितना मोटा नहीं है, क्यू क्यू जो है यम जितना मोटा नहीं है, समूह में सबसे दुबला व्यक्ति कौन है? तो सबसे दुबला कौन सा होगा, क्यू यम जितना मोटा नहीं है, यम जितना मोटा नहीं है, तो ये जो है, तो वो हो जाएगा आपका 140, आपका बी एच जो होगा वो पतला होगा, क्योंकि इसकी क्रोनोलॉजी लगाएंगे तो जो एच जो है वो जी से, ये जी से मोटा है, ये जी जो है एच से मोटा है, और इधर क्यू जो है ये यम जो है क्यू से मोटा है। ठीक है, अगला हम करेंगे, अगला क्या करेंगे, क्वेश्चन खत्म। कैसा लगा आपको वीडियो बताइए जरूर, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में, नेक्स्ट टेस्ट पेपर में, सारी यूपीएससी आरओ एआरओ का 2 टेस्ट करवा उठा है, वो भी आप कर लीजिए, और बीपीएससी का भी 2-3 टेस्ट हो चुका है, उसको भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।